बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। नाउ वी आर गोना स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ क्लास 8th एंड 9th जनरल मैथ। लास्ट लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज 4.2 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सिमिलर है बिल्कुल, पहले की तरह ही है। हमने इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर लेते हैं, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ रुपीज 680 विल इंक्रीज्ड टू रुपीज 850 इन 3 ईयर्स एंड 4 मंथ। ठीक है, वो कह रहा है मतलब रेट अपने मालूम करना है, कितने क्या रेट रखा जाए एनुअल के जो प्रॉफिट है 680 रुपीज से 850 रुपीज हो जाए 3 साल 4 महीनों में। ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपने रेट मालूम करके बताना है कि कितना रेट लगेगा इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड पे। ये इसकी कैलकुलेशंस है, हमें दिया गया था 680 रुपीज़। ठीक है, 680 रुपीज़ पे हमने बताना है कि क्या रेट उसको लगे तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। टाइम उन्होंने दिया हुआ था 3 ईयर्स 4 मंथ। ठीक है, तो मंथ्स को हमने फिर से ईयर में कन्वर्ट करना है। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए सेम वही प्रोसेस है, 4/12। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को आपने सॉल्व किया तो ये कन्वर्ट हो गई 10/3 ईयर्स। अब प्रॉफिट उन्होंने हमें एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ था, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर मौजूद था। उसने कहा था 680 से अमाउंट 850 तक हो गई है, तो जाहिर सी बात है 850 और 680 को माइनस किया तो उसका मतलब है 170 का प्रॉफिट हमें मिल रहा था। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, प्रॉफिट भी है। हमने रेट का जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, रेट का फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे प्रिंसिपल और उसको आप कैलकुलेशन करेंगे फर्दर, तो आपके पास 7.50% पर एनम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला वही वहीं से दोबारा से बना है जहां से हमने सिंपल जो हमारा फार्मूला है प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। हमें रेट मालूम करना था तो 100 हम वहां ले गए। ठीक है, प्रॉफिट इंटू 100 और प्रिंसिपल और टाइम नीचे जाके डिवाइड हो गए, प्रिंसिपल और टाइम। ठीक है, तो ये फार्मूला वही है जो कि हम पीछे सारे क्वेश्चंस में यूज़ करते आ रहे हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी कैलकुलेशन। नो मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ फार्मूला गिवन इन दिस यूनिट। ठीक है, यानी सेम वही चीज़ है जो हम ऊपर क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। टेबल है, आपको काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें गिवन हैं, कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। जैसे कि अगर आप पार्ट 1 में ही देख लें, प्रिंसिपल बताया हुआ है, प्रॉफिट बताया हुआ है, टाइम बताया हुआ है आपने, सॉरी रेट बताया हुआ है, टाइम बताया हुआ है, आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और अमाउंट कैलकुलेट करनी है। इसी तरह नंबर बी में प्रिंसिपल है, प्रॉफिट है, टाइम नहीं मालूम और रेट है, टाइम नहीं मालूम और प्रॉफिट है और अमाउंट नहीं मालूम, टाइम और अमाउंट मालूम करनी है। यानी हर पोर्शन में आप देखेंगे कि दो दो चीज़ें अननोन हैं और बाकी तीन चीज़ें नोन हैं। तो उन तीन नोन चीज़ों की मदद से, जो तीन चीज़ें आपको पता हैं उनकी मदद से आपने बाकी दो क्वांटिटीज़ मालूम कर लेनी है। ठीक है, सारे पार्ट सिमिलर हैं, फॉर्मूला सब में एक ही यूज होगा, सिर्फ फॉर्मूला अल्टर होगा अकॉर्डिंग टू जो भी चीज आपने फाइंड करनी है। इनमें से आपको मैं एक पार्ट बोर्ड पे करके दिखा देती हूँ, बाकी पार्ट्स आप लोगों ने घर में ट्राई करने हैं। ठीक है, जैसे हम ऊपर के क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई करते रहे, रेट के लिए रेट का, टाइम के लिए टाइम का, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट का, प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल का, तो वही करना है। अमाउंट जो है, अमाउंट बहुत आसानी से फाइंड हो जाती है। अमाउंट जो है हमारे पास प्रिंसिपल और जो हमारे पास प्रॉफिट आता है उन दोनों को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास अमाउंट आ जाती है टोटल। ठीक है, यानी जो हमें ऊपर हासिल हुआ और जो हमने जमा कराया था उन दोनों को ऐड कर दें तो वो टोटल अमाउंट होती है कि अब हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है। ठीक है, तो अगर आपको एक भी चीज़ पता हो इनमें से, प्रिंसिपल पता हो तो आप अमाउंट मालूम कर सकते हैं, अगर अमाउंट पता हो तो आप प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रिंसिपल, प्रॉफिट और अमाउंट ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसमें से एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हम ऐसा करते हैं, पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर डी यहाँ पर मैं बोर्ड पर आपके लिए अटेम्प्ट करती हूँ, जिसमें प्रिंसिपल 3000 दिया हुआ है, टाइम 10 ईयर्स दिया हुआ है और प्रॉफिट 1200 दिया हुआ है। हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है और रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ मूव टू द बोर्ड।
ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी है, जिसमें हमें प्रिंसिपल पता था, टाइम पता था और प्रॉफिट पता था। हमें रेट कैलकुलेट करना था। फॉर्मूला वही बेसिक फॉर्मूला जो है प्रॉफिट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100, वही हम यूज़ करेंगे। रेट एक तरफ हो गया, प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे प्रिंसिपल इंटू टाइम। वैल्यूज पुट की, प्रॉफिट की 100, प्रिंसिपल की, टाइम की, कैलकुलेशन की 4% पर एनम। रेट आ गया 4% पर एनम, ठीक है। अब साथ हमें अमाउंट भी फाइंड करनी थी, तो अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रिंसिपल क्या था? 3000, यानी अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रिंसिपल यानी वो अमाउंट जिस पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट दोनों चीज़ें मिलके एक टोटल अमाउंट बनती हैं, और ये हमारे पास अमाउंट इस तरह कैलकुलेट हो जाएगी। तो जो हमारा टेबल था उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ये पार्ट मैंने आपके लिए अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर ये प्रॉफिट फाइंड, रेट फाइंड किया है, और साथ अमाउंट फाइंड की है। इसी तरह बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट्स आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कोई ना कोई एक चीज़ नोन होगी और एक दो अन कोई ना कोई तीन चीज़ें नोन होंगी और दो अननोन होंगी, तो वो इजीली फाउंड हो जाएगी। सिर्फ आपने रिलेशन याद रखना है। अब जिस तरह आपके पास ये तो ऑलमोस्ट सारे एक तरह से हैं, जिस तरह ये है आपके पास, इसमें अपने प्रॉफिट भी मालूम करना है और अमाउंट भी मालूम करनी है। तो प्रॉफिट तो सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको और प्रिंसिपल को प्लस करेंगे तो आपकी अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड हाउ मच मोर प्रॉफिट सईद वुड रिसीव इफ ही डिपॉजिट ₹6400 इन द बैंक फॉर 6 months एट द न्यू प्रॉफिट रेट, ठीक है। वो कह रहे हैं एक बैंक है जिसमें उसने डिपॉजिट किए हुए थे पैसे ऑलरेडी, तो क्या हुआ कि उस बैंक ने जो प्रॉफिट दे रहा था उसको बढ़ा दिया। पहले 3.5% सालाना दे रहा था, अब 4% सालाना दे रहा है। तो आपने ये बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट होगा सईद को इफ़ ही डिपॉजिट, अगर वो 6400 रुपीज़ बैंक में रखता है 6 महीने के लिए, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि अगर वो 6 महीने के लिए इस रेट पे रखता था तो उसे कितना मिलता था, और अगर इस रेट पे लिखता था तो उसे कितना मिलता था। फिर जो है दोनों में से, हम दोनों रेट में से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा उसको प्रॉफिट कितना हुआ। ये देखिए, ये आपके सामने सॉल्यूशन है। क्वेश्चन था कि पहले बैंक 3.5% प्रॉफिट दे रहा है, फिर बैंक 4% प्रॉफिट दे रहा है, तो हमने दोनों रेट पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। पहले हमने ये फॉर्मूला प्रॉफिट का वही है, सिंपल, प्रिंसिपल रेट टाइम ओवर 100, ठीक है। 3.5% पे क्या प्रॉफिट आ रहा था? प्रिंसिपल था 6400, यानी अगर वो ये जमा कराता है। टाइम था हमारे पास 6 मंथ, 6 मंथ यानी आधा साल, 1/2, ठीक है, और रेट की जगह 3.5। कैलकुलेशन की हमारे पास आया 112 रुपीज़। अब सेम यही फॉर्मूला है, सिर्फ रेट की जगह 4 डालेंगे हम ये, ठीक है। सेम वही चीज़ है, टाइम वही है, प्रिंसिपल वही है, सिर्फ रेट चेंज हुआ है। तो अब हमारे पास ये है, यानी अगर 4% पे प्रॉफिट मिले तो 128 रुपीज़ हैं, अगर 3.5% पे मिले तो 112 रुपीज़ हैं। तो उसको कितने पैसे ज़्यादा मिलेंगे? वो हैं 16 रुपये, ठीक है। दोनों प्रॉफिट्स को हम माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट उसे ज़्यादा मिलेगा 4% पे, वो कितना होगा? 16 रुपये ज़्यादा होगा पुराने वाले रेट की निस्बत, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन है। आपने फॉर्मूला ज़रूर लिखना है सॉल्यूशन में, डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं डालनी, एक दफ़ा फॉर्मूला मेंशन करना है ताकि पता हो कि किस फॉर्मूले के थ्रू आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मूव